शास्त्री के समर्थन में हिंदूवादी लोग सड़कों पर उतरकर लगाए जमकर नारे, धार्मिक नारों से गूंजा शिकोहाबाद तहसील परिसर। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने किया समीक्षा बैठक, संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार छात्रा को मारी टक्कर, मौके पर छात्रा की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कलयुगी पुत्र ने की मां की हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां आयुक्त सभागार कक्ष में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, आवास विकास, लखनऊ विकास प्राधिकरण और जलकल विभाग लेसा व प्राइवेट एजेंसी के साथ G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दृष्टिगत लखनऊ शहर की सड़कों के निर्माण व मरम्मतीकरण की प्रगति के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। मंडलायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी संस्थाएं शहर के अपने अपने सड़कों का सर्वे करा लें और चिन्हित सड़कों का ब्लैक टॉप करके सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। और साथ ही बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित विभाग के सड़कों की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले में जल्द ही स्वास्थ्य एटीएम मशीन का संचालन शुरू किया जाएगा। बता दें, जनपद में 18 स्वास्थ्य एटीएम मशीनों का संचालन किया जाएगा, जिससे लोग अपनी कई तरह की जांच करा सकेंगे। वहीं CMO विनय कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल जनपद में 2 स्वास्थ्य एटीएम मशीन जल्द चालू होने वाली है, जो कि एक बाबू बनारसी दास जिला चिकित्सालय बुलंदशहर में और दूसरी जिला संयुक्त चिकित्सालय सिकंदराबाद में संचालित होने जा रही है। और बताया कि टोटल 18 स्वास्थ्य एटीएम मशीन जनपद में प्रस्तावित होंगी, जो जनपद के विभिन्न विभिन्न CSC पर स्थापित कराकर संचालित किया जाएगा। वहीं CMO का कहना है कि ATM मशीन 24 घंटे लोगों की जांच करेगी, कभी भी मरीज अपनी जांच मशीन के द्वारा करा सकता है। इसमें 59 प्रकार की स्वास्थ्य जांच मशीन के द्वारा की जाएगी। जनपद में 2 ATM मशीन संचालित होने जा रही है, जिसमें से कि एक बाबू बनारसी दास जिला चिकित्सालय बुलंदशहर में होगी और दूसरी जिला संयुक्त चिकित्सालय सिकंदराबाद में होगी। लेकिन हमारे जनपद में कुल मिलाकर के 18 ATM मशीन प्रस्तावित हैं, जो शीघ्र ही हमको उपलब्ध हो जाएंगे और उनको अलग अलग CSC पर स्थापित कराकर संचालित कराएंगे। सर, इनसे मरीजों का क्या फायदा होने वाला है, किस तरह का मरीजों को फायदा होगा? मरीजों को इससे फायदा होगा कि जैसे हर चिकित्सालय का एक समय होता है सैंपल लेने का, लेकिन इसमें आप कभी भी जब मरीज को आवश्यकता हो जाकर के अपनी कुछ चुनिंदा 59 किस्म की जांचें अपनी करा सकता है, जिसमें कुछ जांचें ऐसी होंगी जो। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल जुड़ेंगे। विशाल, देखा जाए बुलंदशहर में एक अच्छी पहल की जा रही है, लोगों के लिए स्वास्थ्य ATM लगाया जा रहा है। नन्ही जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर स्वास्थ्य में 2 जगह ATM मशीन संचालित की जा रही है, जहाँ जनपद में एक बाबू बनारसी दास चिकित्सा बुलंदशहर में कराई जाएगी और दूसरा सिकंदराबाद में, जहां 18 स्वास्थ्य मशीन तैनात की जाएंगी अलग अलग स्थानों पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। खबर विधुना से, जहां आगामी गणतंत्र दिवस और त्योहारों को लेकर कोतवाली में उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और कोतवाली प्रभारी निरीक्षकों ने कस्बे के व्यापारियों के तथा क्षेत्र के लोगों की बैठक कर उनसे वार्ता भी की। अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर मौजूद लोगों से चर्चा की गई। वहीं बैठक में लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर स्कूलों के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी के साथ साथ महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं। और साथ ही कहा कि राष्ट्रीय पर्व और बसंत पंचमी सहित अन्य
त्योहारों को भी भाईचारा और सद्भावना के साथ सभी लोग मिलजुल कर मनाए। बता दें इस दौरान बैठक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के और अध्यक्ष संजय गुप्ता, सभासद बंटू गुप्ता, रानू खान, सुमेंद्र पोरवाल के साथ कई लोग मौजूद रहे। आज कोतवाली बिथूडा में मेरे सीओ साहब और एसएचओ साहब की उपस्थिति में एक पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। ये बैठक रिपब्लिक डे और आने वाली बसंत पंचमी को देखते हुए हमने रखी थी, जिसमें हम लोगों के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं कोई इशू या कोई दिक्कत या कुछ पनप रहा हो तो हमें पता चले, या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी हरकत हो तो हमें पहले से पता चले। पीस कमेटी की बैठक वैसे भी हम आमतौर से इसलिए करते हैं ताकि जनमानस में पीस का संदेश हो और आने वाले त्यौहार अच्छे से मनाए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सनातन धर्म के बारे में बोलने पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हिंदुवादी लोग सड़कों पर उतरकर शिकोहाबाद में बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर आज एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद बालाजी मंदिर के महंत ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के महाराज पर अगर उंगली उठाई गई तो हिंदुवादी संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें इस दौरान लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री की फोटो लेकर रोड पर बागेश्वर धाम के जयकारे लगाए। आज सत्य सनातन धर्म पर लोगों द्वारा जो कटाक्ष किए जा रहे हैं उनके विषय में बालाजी मंदिर द्वारा आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि इसी प्रकार से किसी भी धर्म के बारे में किए जानी अनर्गल बातें और इनके बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से जो लोग बाग फैला रहे हैं उस पर विराम लगे और सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धर्म में जिसमें जिस व्यक्ति की रुचि है उसमें पूजा पाठ करें, किसी भी तरह से इस प्रकार की अनर्गल बातें ना हो इसी को लेकर आज बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। वृंदावन के भी संत महात्मा का इसमें आए और समाज के लोग भी आए हुए हैं, तो आज ज्ञापन के माध्यम से जो एक विषय बालाजी सरकार के संबंध में बातें जो कि जानते हैं जो धर्म के विषय हमारी आस्था के विषय, तो हम सभी को एक दूसरे के धर्म और आस्था का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से समाज में एक जो व्यवस्था फैलती है, जो खिलाव होता है, तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसी स्थिति न पैदा हो। तो आज जो ये एक भावना ज्ञापन के माध्यम से आई है तो इसको पूर्व पर अनियंत्रित तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें स्कॉर्पियो की टक्कर से साइकिल सवार लड़की की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत झकरकासी गांव के पास का है, जहां की रहने वाली 21 साल की लड़की साइकिल से सड़क पार कर रही थी, तभी अनियंत्रित तेज रफ्तार से जोरदार टक्कर मार दी गई। स्कॉर्पियो की टक्कर से लड़की रीता की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो चालक स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और स्कॉर्पियो की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, एक लड़की थी रीता, 21 साल की, भदोखर थाने के आसपास कहीं रहने वाली थी। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? झकरासी चौराहे पे बता रहे थे, मृत अवस्था में लेके आए थे, बॉडी मॉर्चरी में रखी गई। कहाँ पे हुआ, कैसे? और रोड पार करके जा रही थी झकरासी चौराहे पे, वहाँ एक्सीडेंट मतलब स्कॉर्पियो वाला टक्कर मार दिया उसका, छोटा एक्सीडेंट हुआ। तो स्कॉर्पियो पकड़ी गई अभी? रायबरेली से आपको बता दें, जहां स्कॉर्पियो ने एक साइकिल सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दर्दनाक मौत हो गई युवती की। आपको बता दें कि खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अनियंत्रित तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार चाचा भतीजे को जोरदार टक्कर मार दी और मौके पर बाइक सवार चाचा की दर्दनाक मौत हो गई और भतीजा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे रायबरेली के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बता दें टक्कर मारने के बाद टैंकर चालक टैंकर लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तलाश शुरू कर दी है।
खबर राय बरेली से है, जहां शराब पीने से मना करने पर नशेड़ी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों को मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी बेटे की तलाश में टीमें गठित कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। मयका पत्नी कोदे, इन्हीं का पुत्र राजेश था जो गेहूं बेचने के लिए जा रहा था, जिसे आपस में विवाद हुआ था। उस विवाद में ही वो गिर गई और गिरने के कुछ देर के बाद इनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पुलिस को गई है, जिस पर हम लोग यहाँ आए हुए पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। लाइनर की कोई समस्या? सर, विवाद का कोई कारण स्पष्ट हो पाया कि नहीं? चूँकि यह बात संज्ञान में आ रही है कि वह शराब पीने का आदि था, तो वही गेहूं लेकर के बेचने जा रहा था, जिस पर दोनों में वाद विवाद हुआ था। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।